दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। दिल्ली के विकास की तुलना लंदन और पेरिस जैसे शहरों से की जाती है, बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों में विकास शून्य नजर आता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास के बड़े बड़े दावे की पोल खोलती तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला दिल्ली के किराड़ी के अंतर्गत आने वाले इंदिरा एन्क्लेव में देखने को मिल रहा है, जहाँ बदहाली का आलम स्थानीय लोगों को नारके जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। ये तस्वीरें इंदिरा इंक्लेव की है, जहां पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। सड़क पर जलभराव की तस्वीरें बरसाती पानी की नहीं बल्कि नालियों के ओवरफ्लो के कारण है। यह तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों को खोखला साबित कर रहे हैं, जिसमें वे दिल्ली को विकास के मामले में लंदन और पेरिस से तुलना करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सामने दिल्ली का विकास शून्य ही नजर आता है। जल भराव की समस्या पूरे साल भर से ऊपर हो गई है, और जब से ये इन्होंने नालियों का निर्माण का कार्य शुरू करवाया है तब से इसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। नाली आधी अधूरी बनवाते हैं, गंदा मटेरियल लगा के नालियों का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे नालियों का पानी रोड पे आ रहा है। नाली में पानी तो बह नहीं रहा है मगर रोड पे ज़्यादा पानी बढ़ रहा है, गलियों में पानी भरा हुआ है, जिस वजह से इतनी समस्या हो रही हो कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, बदबू आती है, मच्छर पनपते हैं, प्लस में यहाँ पर लोगों का जीना इतना दुर्लभ हो चुका है कि बच्चे इस रोड पे निकल घरों से निकल नहीं सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर लोगों की कितनी बड़ी समस्या है, जिससे लोग कितना परेशान है। यहाँ पर कभी विधायक से लेकर और नगर निगम तक हर जगह शिकायत करके देख चुके हैं मगर किसी भी इस समस्या का समाधान नहीं होता है, और जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। अब बरसात का समय आने वाला है और यहाँ पर लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा, घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों का तो छोड़िए बड़ों का चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, समस्या हो गई है हम लोग की, घर से निकलना मुश्किल हो रही है। इतना ये नाली डेढ़ दो साल से हम इतने हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे घर गड्ढे में हो गए हैं, इतना दिक्कत हो रही है आने जाने में, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। ये क्या हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई समस्या नहीं निकल रहा है। मैं देख रहा हूँ बताइए, हमारा पूरा घर गड्ढे में चला गया है, इतनी गंद फैल रही है, बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, इसका कोई सुविधा नहीं निकल रही है। कभी शिकायत वगैरह की है आपने? कितनी बार हमने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई देखने तक नहीं आता यहाँ पे। ये नाली जो भर रहा है तो अब उधर ऊंचा हो गया, इधर खाल पड़ गया, पानी उधर ऊंचा कर दिया, इधर पानी तो सारा जो नहा धो रहे हैं सारा पानी इधर ही गिर रहा है ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा पानी। किस तरह की समस्या है आप लोगों को? अब यही है, हम सोच रहे जल्दी नाली बन जाए, आगे देखो आगे सब जगह है सीवर लाइन पड़ रहा है, यहाँ पर नाली बन रहा है, हर बार कोई यह नाली भर जाएगा, नाली साफ करने वाले नहीं आते, रोड पर पानी बहता रहता है, हमारे यहाँ निकल रहे बरसात में ये हालत है। अभी पता नहीं कितने देर में मलबा पड़ेगा, कितना कब क्या होगा। आपको बता दें कि इलाके की स्थिति के कारण यहाँ के स्थानीय लोग पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। गौरतलब है कि जब इलाके में पार्षद अब रहे नहीं और विधायक किसी की सुनते नहीं, ऐसे में स्थानीय लोगों को जनप्रतिनिधि और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि यहाँ के लोग नारके जीवन जीने को मजबूर हैं। ये जलभराव की समस्या तो करीबन साल डेढ़ साल हो गया जी, साल डेढ़ साल से बहुत बुरा हाल चल रहा है, यहाँ ना आने में बनता है ना जाने में बनता है, गलियों में। हाँ जी बिल्कुल भरा, ये हर रोज भरा रहता है पानी, बिगर बरसात के भी जिस दिन पानी आता है उस दिन तो और ही बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में क्या लोग बीमार भी पड़ रहे हैं? बहुत सारे बीमार पड़ रहे हैं जी, बीमारियाँ का तो और हालत बढ़ रही है। पानी के आगे निकासी है नहीं सर, इसीलिए इसी वजह से जो भरा पड़ा, ये लगभग तो जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है तब से समझ लीजिए मिला जुला के ये पानी के सिलसिला है ही है। यहाँ ये समस्या ऐसी है जी सर, रोड और नाला दोनों बराबर है, कहीं भी चले जाइए, फेस वन फेस टू प्रेम नगर किराड़ी के जो क्षेत्र जितने भी है ना, लगभग सब जगह कहीं का रोड आपको मिलेगा ही नहीं पैदल चलने लायक, साथ हो जाएगा। तो सर ये है कि लोगों के घरों में पानी जो बहेगा, अभी तो रोड पे बह रहा है फिर घरों में बहना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक है सर। बताइए नाला का सीवर का लोगों के लेटरिन के सेफ्टी टैंक का भी पानी इसी में जो है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर दिल्ली में विकास के दावों की हवा निकालने का काम कर रही है। आलम यह हो गया है कि स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर कब तक आकर्षित होता है, ताकि क्षेत्र की जनता इस बदहाल स्थिति से बाहर निकल सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम बटन टीवी।